नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहडोल के लिए मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हुआ, जिसमें उमरिया जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र 79 बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र एवं 90 मानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी मतदाताओं के द्वारा मतदान किया गया। ग्राम पंचायत मचखेता के ग्राम मड़ाई मोहन लाल यादव अपने बेटे के साथ किया मतदान। इसी तरह से उमरिया वार्ड क्रमांक 14 माध्यमिक विद्यालय कन्या कैंप में रिटायर्ड शिक्षिका चित्रा स्वामी उम्र 88 वर्षीय ने अपने बेटे देवानंद स्वामी के साथ पहुंचकर मतदान किया। रिटायर्ड शिक्षिका चित्रा स्वामी का जन्म सन 1936 में राजस्थान में हुआ था। वे सन 1957 लोकतंत्र के इस पर्व में भाग ले रही थी। उन्होंने कहा कि मतदान हमारे भारतवर्ष की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए हर किसी को मतदान करना चाहिए। उन्होंने अन्य मतदाताओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का उपयोग करें एवं अन्य जनों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। मतदान करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे हर मतदाता को निभानी चाहिए। के हैं आप? 102 वर्ष के। हाँ। कहाँ आए हैं? इधर वोट डालने। वोट डालने डाल दिए? हाँ। बोली बोली, मैं, मेरा नाम चित्रा स्वामी है और मैं वोट डालने आई हूँ। जब से वोट डल रहे हैं तब से मैंने राजस्थान में वोट डाला। मैं राजस्थान में थी, राजस्थान की बेटी हूँ, राजस्थान से ही मैं यहाँ टीचर बनी और मेरा, मैं यहाँ पर सब सरकार की सेवा कर रही हूँ। मतदान केंद्र में बैठी हूँ। सबसे पहले मैं मतदान करी हूँ। 136 मेरा नंबर है। मैं उमरिया में रहती हूँ। उमरिया वार्ड नंबर 14 में मेरा मकान है। मैं उसी से ये वोट डालने यहाँ आई हूँ। धन्यवाद। और बताइए, इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।